कांग्रेस के फेलियर का चार रीजन है जो मुझे लगता है। सबसे पहले कि कांग्रेस ने जमीनी स्तर पे हो रहे भारत के अंदर के बदलाव को नहीं समझा। वो वही बात बार बार करते रहे जो वो बात पिछले 70 साल से कर रहे थे कि भारत जो है वो क्या कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है, ये फूलों का गुलदस्ता है और ये और वो और सब मतलब एक समान है और इस तरीके की बातें कर रहे थे। जिस और एक उनका एक एक उनका सॉफ्ट कोर था इस्लाम के प्रति, तो वो जो था वो लोगों ने धीरे 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 लोगों में उसको लेके फटीग आने लगी। जैसे आप देखें 1956 का कोर्ट बिल आता है हिंदू के लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए शरीयत अलाउ कर दी जाती है। तो यानी कि हिंदू को कह दिया गया कि तुम एक शादी करोगे और दूसरी शादी की तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। उसके लिए पॉलीगेमी को इन्होंने ऑफेंस बना दिया, क्राइम बना दिया, लेकिन मुसलमानों को एट द सेम टाइम उन्होंने कहा नहीं आप 4 शादी कर लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सो दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड द मेजॉरिटी कम्युनिटी विद द अटर डिसरिगार्ड। और मेजॉरिटी कम्युनिटी ये भी था कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द सेंस ऑफ हिंदू मुसलमान बात कर रहे हैं, चूंकि ये मुसलमान जो एक फिलॉसफी है उसमें आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करना पड़ता है। हालांकि इंडिया में कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी है नहीं, सब इंडियन है क्योंकि सबको सेम अधिकार प्राप्त है। तो एक पॉइंट ये था कि उन्होंने ना भारत की जो 70 साल के बाद का नया भारत बन रहा था, जो नई जनरेशन आ रही थी, उसके अंदर अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस था। वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट होती जा रही थी। एक समय था कि लोग शादियों में सूट पहन के शादी करते थे, आज आपको शादियों में लोग धोती कुर्ते में शादी करके वो शादी करते मिलेंगे। वो पहनते हैं वो अपने आपको जो शादियों में जो लोग अपना पोशाक पहन के आएंगे वो एथनिक वियर्स पहनते हैं और बड़े धड़ल्ले से पहनते हैं, अब उनको कोई शर्म नहीं है, आप समझ रही हैं। तो पहला तो कांग्रेस कुड नॉट गेज जो भारत की मानसिकता है, वो इसको अभी भी ये कहते हैं कि ये मार्केटिंग है, ये पैसे का खेल है। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग चेंज हो गए हैं, लोग अपने आप को दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, कांग्रेस एक्सट्रीम लेफ्ट पे चली गई, जो आप वो लेफ्ट टू सेंटर हो सकते थे और जो थोड़ा सा मिडिल अप्रोच लेकर के चल सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी जी के लीडरशिप में जो कांग्रेस पार्टी है वो एकदम लेफ्टिस्ट विचारधारा है उनकी, उनको इस्लामिक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कोई भी अगर इंसिडेंट ऐसा होता है जिसमें कोई विक्टिम या इंसिडेंट मुसलमान के अगेंस्ट हो तो आपको वहाँ पे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बहुत तेजी से आवाज़ उठाते हुए दिखाई देगी, लेकिन वैसा ही सिमिलर इंसिडेंट यदि किसी हिंदू के साथ हो जाए तो वह वैसा आवाज़ उठाते हुए नहीं दिखते हैं। तो ये एक नोशन चला गया है लोगों के अंदर कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से प्रो इस्लामिक पार्टी है। ये हो ना हो वो एक अलग बात है, मगर ये नोशन तो चला ही गया है लोगों में। हालांकि राहुल गांधी जी ऐसे बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े प्रोग्रेसिव इंसान हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और तीसरी जो उनसे गलती हो रही है कि वो अपने घटते कद का रियलाइजेशन नहीं करना चाहते। जो रीजनल पार्टी का जो चुनाव में देखिए, एक समय था कि हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट का 2014 तक लोग समझते थे कि अब इंडिया में आने वाले 100 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट रहेगा, क्योंकि इतनी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है इंडियन लोगों की कि अब यहाँ पे कोई भी पार्टी अपने दम पे 272 सीटें नहीं ला पाएगी। अच्छा, 2026 के बाद तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2026 में वो होगा डिलिमिटेशन, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीटें 542 है वो 1971 के सेंसस के आधार पे है, यानी 1971 में जो भारत की पॉपुलेशन थी उसके आधार पे जो है वो आपको 542 सीटें हैं। जब 2026 की जो जनसंख्या के आधार पे हमारे यहाँ डिलिमिटेशन होगा तो नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्री सीट है वो बढ़ जाएंगी, उसमें तो ये और भी रोचक होगा कि अब ये जो क्या नाम है कांग्रेस अपने आप को कैसे पोजीशन करती है। तो कांग्रेस की ये जो दिक्कत रही ना कि रीजनल पार्टी का जो उदय होता गया वो रीजनल पार्टी के फोर्स को समझ नहीं पाई, तो अब वो क्या कह रही है कि हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। इस अलायंस को हम कैसे समझें? टीएमसी जो है वो कांग्रेस से निकल के ममता जी ने अपनी पार्टी बनाई, एनसीपी कांग्रेस से निकल करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई शरद पवार जी ने, सपा अपनी पार्टी अलग चलाती है, बसपा अपनी पार्टी अलग चलाती है। अब अगर आप अलायंस करना चाहते हैं तो क्या सपा जो है सीट छोड़ने को तैयार होगी? क्या नाम है उत्तर प्रदेश में कितनी सीट दे देगी वो? 40 सीट कांग्रेस को देने को तैयार होगी? कांग्रेस की पिछली बार यूपी में 1 सीट आई थी और 6% से भी कम उनका वोट परसेंटेज है। तो अलायंस का पोडियम पे दिखना, हाथ बांध देना वो एक अलग चीज है।
अभी एक दिन पहले तक केजरीवाल जी के साथ इन लोग की जम नहीं रही थी, क्योंकि केजरीवाल जी चाहते थे कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया है टू टर्न ओवर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द गवर्नेंस ऑफ दिल्ली, वो कहते उस पर आप हमारा साथ दीजिए, और कांग्रेस कह रही थी हम नहीं दे रहे थे, हम नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो दिल्ली यूनिट की पार्टी के मेंबर थे वो ये बताते हैं यार कि ये आपका जो उदय हुआ है वो हमारा वोट शेयर खा के वो बने हैं, तो जो लोकल यूनिट है उनमें वो नहीं चाहते कि आपके साथ हमारा वो कोई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उनको पता है कि आप फिर से हमारा वोट शेयर खा जाएगी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इतना इजी नहीं है जितना न्यूज चैनल में सुनाई दे रहा है, बिकॉज जो ग्राउंड रियलिटीज है वो अलग है। लास्ट प्रॉब्लम कि उनके पास कोई फेस नहीं है, कोई फेस नहीं है, और मोदी के जैसा स्ट्रॉन्ग फेस को आप क्या कह के लोगों से कहोगे मोदी को हराओ, क्यों? मॉर्निंग कंसल्टेंट का हर वीक आता है कि मोदी का जो पॉपुलैरिटी है वो साला 72-70, 72-70-80 इसके आसपास रहता है। तो जब द मैन इज रिफ्यूजिंग टू स्लो डाउन, भाई उसकी जो वो है क्या नाम है प्रसिद्धि है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद चलिए बाकी बाद में बात करेंगे, वहां अगला प्रश्न। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इसी में अगर हम दूसरा रुख देखें इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो क्या वजह है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई इसके बावजूद के तरह तरह के आपके यहाँ स्कैंडल्स बने या इश्यूज आए सामने, जैसे कभी हिजाब का आ गया, कभी मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई और चीज लेकर जो है बहुत बार जो है क्रिटिसाइज भी किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह पे जिस तरह का उनको वेलकम दिया गया है इन कंट्रीज में जहां उन्होंने विजिट्स किए, उसकी क्या रीजन हो सकती है? इसलिए कि यहाँ तो बड़ा शोर मचाते हैं ना लोग पाकिस्तान में भी कि जी देखो जी वहाँ मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है तो वो हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ पाकिस्तान को छोड़ भी दें, चले हमारी तो आदत है कोई भी आएगा हमने तो कुछ ना कुछ कहना ही है, लेकिन जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी कुछ ना कुछ नाराजगी दिखाते हैं, और जैसे जो अपोजिशन है वो भी शोर करती रहती है, लेकिन मोदी जी को हमने सिर्फ आगे बढ़ता हुआ देखा। तो सर उनका क्या सीक्रेट है कि वो इतने सक्सेसफुली सारी कंट्रीज को, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे ना हो, वो सब उन्हें अवार्ड्स दे रहे हैं, सब उनकी वाह वाह कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए इसकी शुरुआत मोदी जी से तो नहीं होती ना, भारत का लोग मोदी जी में वो देखना चाह देख रहा है और सुन रहा है जो वो पिछले 700 साल से नहीं सुन पा रहा था। हमारे पास पहले बाहर के लोग आए, उन्होंने कहा तुम्हें तो भगवान का कंसेप्ट नहीं है, तुम मूर्ति पूजा करने वाले लोग हो, तुम पेगन हो, तुम फलाना हो, तुम धिमकाना हो, तो उन्होंने हमें उस नाम पे पहले भैया हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करा, हमारी जमीनों पे कब्जा करा, फिर हमको लड़ना पड़ा, खाली हमको गालियां सुनने पड़ा कि यहाँ पे ये लोग अनटचेबल को करते थे, इनका औरतों को साड़ी पहनने का वो जो ब्राह्मण था वो हक नहीं देता था, अजीब अजीब सी कंस्ट्रक्टेड स्टोरी, ठीक है ना, जिसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जात पात नहीं था या छुआछूत नहीं था, मगर एक्सट्रीम पे नहीं था, और इसका सीधा सा एग्जाम्पल यह है कि पाकिस्तान में जो आज हिंदू कम्युनिटी रह गई है वो कोई बड़ी हाई कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं है, वो लो कास्ट हिंदू है, क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते, वो तो तुरंत कन्वर्ट हो जाए भाई, अगर इतना ही उनको इस्लाम में अगर मान लीजिए एक रिफ्यूज मिला था तो सारे पाकिस्तानी आज स्वेच्छा से मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते, और भारत के भी जितने SC ST ये जो शेड्यूल कास्ट थे वो जाकर के बन जाते तुरंत मुसलमान, वो क्यों नहीं बन रहे? तो पॉइंट ये है कि ये जो एक 700 साल से हमें पहले धर्म के नाम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी फिलोसफी, हमारी रिलीजियस बिलीफ, हमारे ट्रेडिशन कल्चर का मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म हुआ, कार्ल मार्क्स जैसे लोग आके कहने लगे कि ये लोग कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्यों? फिर वही इनका लाइफस्टाइल प्रिमिटिव है, ये तो गाय को पूजने वाले लोग हैं, ये तो पेड़ों पौधों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, इनका तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो हमें 700 साल से 800 साल से सब ने हमें हमारी कमियां बताई, सब ने कहा ये किसी लायक लोग नहीं है, ये लोग इनकी लाइफस्टाइल प्रिमिटिव है, ये लोग घटिया लोग हैं, छोटे लोग हैं, कोई काफिर कह रहा था, कोई कह रहा था ये काले हैं, सब ने हमारे बारे में गलत लिखा, लेकिन हम चलते रहे, लड़े झगड़े मारे पीटे जैसा भी हुआ, हम अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखे। 1945-47 के बाद हमें ये लगा कि अब हमारी आइडेंटिटी को निखार मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ, हमें आज़ाद भारत में भी हमारी आइडेंटिटी को अभिशप्त बना दिया गया, हमारी हर चीज़ का मजाक उड़ाया गया,
हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का, हमारे सोच का, हमारे हमारे खान पान का। हमको कहा गया कि कपड़ा हमको कोई मुगल सिखा गया है और ताजमहल नहीं होता तो हम पता नहीं दुनिया को क्या दिखा देते, और हमारे पास कोई हमारे पास ऐसा आर्किटेक्चरल वो नहीं है। ये सब चीज़ें बताई गई हमारी किताबों में। हमारी किताबों में बताया गया कि औरंगजेब बड़ा अच्छा आदमी था, महाराज शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो बड़े खराब आदमी थे, पता नहीं क्या क्या बताया गया। उसके बाद आया एक आदमी जो ये कहा कि मैं भारत को टूटने नहीं दूंगा, भारत को मरने नहीं दूंगा। ये बात लोगों में रेजोनेंस की, क्योंकि वो शर्माते जरूर थे। जैसे राम राम है, हमारी ग्रीटिंग है राम राम, सदियों से इस्लाम के आने से सदियों पहले राम राम है। लोग जय श्री राम कह के, आप पुरानी फिल्में देखें उसमें जय श्री राम करके ग्रीट करते थे। उसको ऐसा बना दिया कि अगर हम राम राम कह रहे हैं तो हम एंटी मुस्लिम हो गए। अगर हम राम राम कह रहे हैं तो हम एंटी मुस्लिम कैसे हुए भाई? हम किसी मुसलमान से उतना ही प्यार कर सकते हैं, राम राम हमारी ग्रीटिंग है। लेकिन चूंकि वो मुसलमान नहीं सुनना चाहता राम राम, तो हम भी राम राम नहीं कहे। भाई ये आपकी समस्या है, आप कह रहे हो। तो पॉइंट ये है कि हमें हमारी आइडेंटिटी ट्रेडिशन से दूर किया गया। भाई राम हिंदुस्तान की आइडेंटिटी का पार्ट है, तो हम जब राम राम कह रहे सर, बहुत से मुस्लिम तो राम जी को मानते भी हैं, तो वो राम राम कहने में क्या रहा जन को? नहीं, ये हमारी साइक बना दी गई भाई कि अगर हम जय श्री राम बोल रहे हैं पब्लिक में, कोई मुसलमान है तो हम शर्मा जाते हैं। मैं शर्मा जाता हूँ कि क्या सोचेगा ये जय श्री राम कह रहा है। एक मुसलमान जो है 5 बार वो नमाज पढ़े, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कोई भगवान इबादत के लायक नहीं है, उसको शर्म नहीं आएगी या उसको हेजिटेशन नहीं। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई कि अगर एक दो मुसलमान खड़े हो तो हम नमस्ते नहीं बोलेंगे, या हेलो बोलेंगे, या हाय बोलेंगे, या हम राम राम नहीं बोलेंगे। इसको बताया ये सेक्युलरिज्म है। मुझे नहीं पता कि मैं जर्मनी में गया हूँ और वहां के लोग अपनी ग्रीटिंग छोड़ करके किसी टर्क्स को खुश करने के लिए वो उसका अस्सलाम वालेकुम बोले, वहां नहीं बोलते कोई, वो अपनी ही ग्रीटिंग बोलते हैं। तो ये एक अजीब सी बात। तो इसमें मोदी जी ने हमें हमारा प्राइड दिया। मोदी जी ने भरे मंच से कहा बोलो हर हर महादेव, मोदी जी ने भरे मंच से कहा बोलो जय श्री राम। भाई जय श्री राम बोलने से हम एंटी मुस्लिम कैसे हो गए? हर हर महादेव बोलने से हम एंटी मुस्लिम को? भाई मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान का था जर्मनी में, मैं आज भी मैं खुलेआम कहता हूँ मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूँ, कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं हर हर महादेव ना कहूं, भाई हर हर महादेव कहने से मैं कैसे एंटी मुस्लिम? मेरी मैं जिस शहर का हूँ बनारस, उसकी पहचान है, उसको कहते हैं ये देवाधिदेव महादेव का शहर है। माता गंगा और भगवान शिव के बिना मेरी पहचान अधूरी है। हम लोग सवेरे भी जब मिलते हैं एक दूसरे को हर हर महादेव के बिना बनारस में लोगों की ग्रीटिंग नहीं पूरी होती है। तो अब ये कैसे एंटी मुस्लिम हो गया हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मोदी जी ने लोगों में विश्वास भरा, मोदी जी ने लोगों को कहा, पार्टी के मतलब मंच से कहा हर हर महादेव, और 370 खत्म। भारत को देखिए, भारत के लोग अपने भगवान को लेके उतना सेंसिटिव नहीं रहते हैं, मगर बहुत उनके अंदर विशाल हृदय है, वो चुप हो जाते हैं बेचारे। आप मंदिर तोड़ दिए ना, आप नहीं देखेंगे इसका रिएक्शन में, कोई मस्जिद टूट रहा है हिंदुस्तान में नहीं देखेंगे आप। अजमल कसाब आया, उसने गोली मारी, एक दंगा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता था पाकिस्तानी है, नहीं करते हैं वो बेचारे। आप हिंदुस्तान में एक मंदिर को मस्जिद को तोड़ते हुए देखेंगे। आप क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद तोड़ दी, झूठ बोलते हैं, पूरी बात नहीं बताते। मस्जिद को तो कहीं भी तोड़ा जा सकता है। एक मस्जिद बाबरी मस्जिद तोड़ी, वहीं 5 किलोमीटर दूर पे 5 एकड़ जमीन देके दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाई है हमने। तो अगर तोड़ना तो तब होता है जब हम तोड़ के दोबारा नहीं बनाते, हम तो तोड़ के उसका खाली जगह चेंज किए। सो आप देखिए, ये ईश्वर को लेके बहुत भक्तिभाव रखते हैं लेकिन वॉयलेंट नहीं होते, लेकिन धरती से अपने बहुत प्यार, भारत का मतलब उसकी धरती। तो मोदी जी ने धरती से जुड़ा है। अब वो कहीं भी जाते हैं संस्कृत का एक श्लोक बोल देते हैं, लोग वही फैन जाएंगे, वो यूनाइटेड नेशन के मंच से तमिल में 2-3 वाक्य बोल देंगे, तमिलनाडु के लोग भी फैन। वो भारत को जोड़ के चलते हैं, वो भारत की बात करते हैं, वो हमारी बात करते हैं, वो हिंदी में जाके बोलते हैं, हमें गर्व की अनुभूति। यार मैं रहा हूं अर्जु जी जर्मनी में, लोगों को देखने का तरीका मोदी ने बदल दिया था, मोदी की बात होती थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे जो डीन थे पिछले ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में वो ग्रीक थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया, अभी कुछ दिन पहले ग्रीक्स में इलेक्शन खत्म हुए, तो उनके टीवी पे ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू चल रहा था, तो उनके टीवी एंकर ने उनके ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर से पूछा आपको क्या लगता है इस समय दुनिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? उसने कहा दुनिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इस समय एस जयशंकर है, और एस जयशंकर को लाने वाले मोदी जी, द मैन नोज। उनके पास 303 MP थे लेकिन एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को उन्होंने उठाया और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। मैन नोज एंड वैल्यूज किसको इंडिया पसंद है। मोदी का मतलब भारत,
और मोदी से लोग इसीलिए प्यार करते हैं, ना अपने लिए कुछ करना है उनको। वो अब जो आदमी ये बोले कि मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, या लोग ऐसे ही डर जाते कि नहीं भैया तुम मत जाना, क्योंकि जो बाकी लोग आएंगे वो हमारा ही झोला लेके चले जाएंगे। आप समझ रही? सो मोदी जो है वो भारत की बात कर रहे हैं, अपोजिशन है वो पता नहीं कौन कौन सी फिलोसफी, आउटडेटेड फिलोसफी की बातें कर रहा है जो अब लोगों को समझ में नहीं आती। तो 100% कोई मोदी को वोट नहीं देगा, लेकिन 50-52% अगर मोदी जी वोट पा रहे हैं तब तक अपोजिशन का कोई वो फ्यूचर नहीं दिखता। अपोजिशन को अपनी अपनी जो फिलोसफी है वो चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर सिर्फ ये बात नहीं है कि आपके यहाँ लोग बहुत फैन है मोदी जी के, पाकिस्तान में भी बहुत लोग ऐसे अब हो गए जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन हैं, और यहाँ तक कि इमरान खान भी कई बार उनके एग्जांपल्स भी दे चुके हैं, करप्शन के ऊपर भी, तोशाखाना के ऊपर भी। उनकी वो वीडियो बड़ी वायरल है पाकिस्तान में जिनमें उन्होंने कहा था कि तोशाखाना के गिफ्ट्स उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो है उनको यूज किया था। बिल्कुल, तो लोग बहुत इम्प्रेस हैं, लोग बहुत मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी की, और हम भी चाहते हैं कि उन जैसा लीडर कोई पाकिस्तान में भी, और स्पेशली उनके जैसा और डॉक्टर जयशंकर जैसा, ताकि हम भी थोड़ा सा जो है वो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान